हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। हमने कूलम्स का जो वेक्टर प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ा। वेक्टर प्रिंसिपल में क्या होता है, वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्स लॉ का, वैसे तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो है के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब उसका एक वेक्टर फॉर्म लिया हमने कि अगर मान लो सीधा ही डायरेक्ट वेक्टर को यूज़ करते हुए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो कूलम्स लॉ कैसे वर्क करता है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो मैंने उसका डेरिवेशन बताया, फिर उसका डेरिवेशन का यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेंथी क्वेश्चन था, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और आपने उम्मीद करता हूँ कॉपी में उसको एक बार दोबारा रिवाइज़ किया होगा और उसको निकालने की कोशिश की होगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं कूलम्स वेक्टर के एंड कूलम्स लॉ के, उनको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ जब डील करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो वेक्टर की तरह यूज़ करें, अपने इसको स्केलर्स क्वांटिटी की तरह यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और मैं कूलम्स लॉ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो कोई चार्ज बॉडीज है, इनका मास है 5 ग्राम 5 ग्राम, ये भी 5 ग्राम है और ये भी 5 ग्राम है। इस पे चार्ज है क्यू बराबर 10^-7 कूलम, और इस पे चार्ज है क्यू बराबर 10^-7 कूलम। दोनों पे सेम चार्ज है, -7 कूलम -7 कूलम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इनके बीच की। ये किसी रफ सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, दोनों रफ सरफेस पे रखे हुए हैं। इस तरह से तो सवाल ये है कि अब दोनों रफ सरफेस पे है, ये सरफेस रफ है, तो क्वेश्चन है कि इन दो इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कॉफिशियंट है म्यू, वो कितना है। अगर ये दोनों ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं तो इस रफ सरफेस का फ्रिक्शन कॉफिशियंट कितना होगा, ये सवाल है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन कॉफिशियंट, जो घर्षण गुणांक है वो कितना है, फ्रिक्शन कॉफिशियंट ऑफ सरफेस इफ बोथ ब्लॉक्स डू नॉट मूव। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। दोनों पे कूलम फोर्स, क्योंकि सेम चार्ज है तो कूलम फोर्स इस वाले 5 ग्राम को इधर धक्का दे रहा होगा, मान लो किसी एफ कूलम फोर्स से इधर धक्का दे रहा होगा, और इसे 5 ग्राम वाले को वो भी क्या दे रहा होगा, इधर धक्का दे रहा होगा एफ कोई कूलम, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, इफ बोथ ब्लॉक्स डू नॉट मूव एंड आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब ये जस्ट एक लिमिटिंग वैल्यू में इक्विलिब्रियम में ही है। अगर चार्ज का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाता तो ये मूव करना शुरू कर देते। मेथड सिंपल सा होगा, कूलम फोर्स को हमें फ्रिक्शन फोर्स के बराबर करना है, उस प्रिंसिपल को लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल हमें करना है, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे -7 कूलम -7 कूलम चार्ज है, इनका जो मास है 5-5 ग्राम है, कूलम फोर्स लगेगा इन पे, दोनों एक दूसरे पे दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके भी नीचे वाली जो सरफेस है वो रफ है, तो हमें कोई ऐसा फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से ये दोनों अपनी जगह से मूव नहीं करें, ये सवाल है। तो इसको सॉल्व करना है, क्या लॉजिक होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, जो कूलम फोर्स है उसको फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर देंगे। देखो इस ब्लॉक पे कूलम फोर्स इधर लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, मान लीजिए एफ लग रहा है, और इस पे कूलम फोर्स इधर लग रहा है तो इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वली लगेंगे।
ये फ्रिक्शन इस कूलाम फोर्स के बराबर होगा, ये फ्रिक्शन इस कूलाम फोर्स के बराबर होगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या कर सकता हूं, कूलाम फोर्स के बराबर कर दूंगा। ये मेरा सीधा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। जो कूलाम फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, सीमांत साम्य अवस्था यहाँ पे मौजूद है इन दोनों मास ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये काम करना पड़ेगा हमें। तो ये काम अगर जब करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तो कितना हो गया अपना, म्यू एम जी हो गया, ठीक है। और कूलाम फोर्स क्या हो गया, के क्यू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। म्यू इससे आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एम जी। ये वैल्यू जो है हमारे फ्रिक्शन कोफिशियंट की आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो म्यू की वैल्यू निकालनी है तो के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और क्यू वन और क्यू टू बराबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास डिस्टेंस दोनों चार्ज बॉडीज के बीच, 10 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 10/100 यानी कि 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर इंटू एम मास, मास हो जाएगा 5 × 10⁻³, क्योंकि एम के एस यूनिट में रखना है तो मास को किलोग्राम में रखा, 5 × 10⁻³। और जी हो जाएगा हमारा 10, जी को ले लिया 10। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आती है वो आती है 0.18। यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.18। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल किया जाएगा। बैटरी खत्म हो गई बच्चों, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, अब डिस्प्ले आ नहीं रहा है, अभी शुरू हो जाएगा डिस्प्ले। हेलो, हाँ आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। हेलो, तो काफी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया सभी को, और दूसरा सवाल लेते हैं आगे, नेक्स्ट।
अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था तो वापस सही रिज्यूम हो गया सर्विस। अब दोबारा और सवाल लेते हैं अपन, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो चार्ज पार्टिकल है क्यू एंड यहाँ पे भी कोई क्यू है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है और दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो एक तीसरा चार्ज कोई क्यू कहाँ पे रखा जाए, ए थर्ड चार्ज क्यू वेयर टू प्लेस सो दैट क्यू चार्ज वेयर टू प्लेस सो दैट वेयर टू प्लेस ऑन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो एक तीसरा चार्ज इस इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस पे कहाँ पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि तीनों चार्ज पार्टिकल जो है अपने एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहे, या फिर वो जो चार्ज पार्टिकल है जिसको यहाँ पे रखेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो हम एक तीसरा चार्ज कहाँ रखें इन दोनों के बीच में कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये हमारा सवाल है। और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए। थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम, तो ये सवाल है। उस चार्ज की वैल्यू पता लगानी है, उस चार्ज का नेचर पता लगाना है और उस चार्ज की पोजीशन कहाँ पे हो कि वो इक्विलिब्रियम में। सिंपल सा सवाल है, कूलाम फोर्स जो है हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे कोई चार्ज क्यू को रखता हूँ यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे, ऐसा मान सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं। इस चार्ज पे ये क्यू जो है ये कोई फोर्स लगाएगा और ये जो क्यू चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा। तो अब ये क्यू चार्ज इसको इधर की ओर धक्का दे और ये क्यू चार्ज इसको इधर की ओर धक्का दे। मान लीजिए ये क्यू पॉजिटिव है या क्यू नेगेटिव, अभी हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कुछ भी मान के इसको लेके चलते हैं, पर हम इस पे जो फोर्स लगेगा, जैसे ये जो आपका स्मॉल क्यू चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा, या तो फोर्स ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा या ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या फिर ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा तो ये वाला भी इसको इधर रिपेल करेगा और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। तो दो केसेस बन सकते हैं, ये क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर ये क्यू पॉजिटिव होता है, ये वाला जो चार्ज है हमारा जिसे हम इसके बीच में रखने वाले हैं, अगर ये पॉजिटिव होता है तो उस केस में ये क्यू चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये क्यू चार्ज इस चार्ज को आगे की तरफ रिपेल करेगा। उस केस में इन तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसको इधर आगे भेज देगा और ये इसको आगे इधर भेज देगा, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। अब दूसरा केस क्या है, अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ, इसको नेगेटिव लेता हूँ, तब अब ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर खींचेगा और ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा। अब इस चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस हैं, ठीक है, या और इसी तरह से इस चार्ज पार्टिकल के भी इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस अभी बन जाएंगे। तो इस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव अगर रखा तो काम हमारा नहीं बनेगा, एक आइडिया हमें यहाँ से लग जाता है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सपोज मान लिया कि इससे एक्स दूरी पर और इससे आर माइनस एक्स दूरी पर रखा, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो बराबर किया, तो इसको बराबर करने के लिए इधर जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये मान लिया F1 और ये मान लिया कोई F2, तो F1 जो वैल्यू है F1 वो आ जाएगी हमारी K Q × Q/X² और F2 जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी K Q Q/R − X² ये आ जाएगा। दोनों को बराबर किया, F1 बराबर F2, तो ये हो जाएगा K Q Q/X² = K Q Q/R − X²
होल स्क्वायर। तो देखो ये ऊपर वाली टर्म तो कॉमन है तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। यहां से इक्वेशन जो बनी वो बनी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहां पे हमारी बनती है। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब इसको, अब दोनों तरफ का जो स्क्वायर है वो अगर हम हटाते हैं तो ये हो जाता है आर माइनस एक्स बराबर एक्स, या फिर r बराबर 2x, इससे x की वैल्यू आ जाती है r बाई 2, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल को हमें यहाँ पे बीचों बीच रखना पड़ेगा अगर हमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ से तो आ गई उसकी पोजीशन, ये पोजीशन का आंसर आ गया, ठीक है। अब उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब ये जो q चार्ज रखा है इसका इस कैपिटल Q के टर्म्स में क्या वैल्यू होगा, मतलब उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कितना होगा, आधा होगा, डबल होगा, 1/4 होगा, क्या होगा, ये हमें चेक करना होगा। तो ये निकालते हैं, देखते हैं। तो आप में से कोई ट्राई करता है, यहां से तो आगे इसकी पोजीशन, ये पोजीशन। चलो आर बाई टू के काफी लोगों ने आंसर दिए, काफी बच्चे आए हुए हैं, सभी को हेलो मेरा, सचिन, नीतीश, अर्जुन, मधु, देव, सौम्य, अनीता, कुलदीप, गीतिका, रितिका, पूजा, यश, बाबूलाल, पीयूष चौधरी, अच्छा पीयूष, हेलो, खुशबू, ठीक है। हाँ, अब ये बताइए कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए इस क्यू के टर्म्स में, ये आपको बताना है। तो ये आप चेक करके देखिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आगे। ये x बराबर r बाई टू आ गया, इसको सॉल्व जब किया अब देखो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी इस चार्ज को पकड़ेंगे, इस चार्ज को पकड़ेंगे और इस चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तभी क्या हो सकता है, ये तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैं इस Q को, ये Q क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये छोटा वाला चार्ज, और ये कैपिटल Q इसको इधर धक्का देगा। तो मैं इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो बराबर कर देता हूँ। तो इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा, इधर जो लगेगा वो तो फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, और ये तो गया इधर लगने वाला, और उधर लगने वाला हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू क्यू सेम है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी इससे बनेगी, ये हमारा रिलेशन जो है हमें इस क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म्स में देगा। ये यहाँ पे समझ में आया, इस क्यू पे ये वाला जो क्यू है इस पे इस तरफ लगने वाला फोर्स इसकी वजह से कौन सा हो गया, के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस क्यू पे इस क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें तीनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ना कि इस छोटे वाले का ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो तीनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो ये एक और रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो इस क्यू से तो क्यू कैंसिल हो गया, एक के से के कैंसिल हो गया, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा रिलेशन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू मैं आर बाई टू जब रख देता हूं तो यहां से क्यू अपॉन आर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को क्या रख दिया, आर बाई टू रख दिया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा क्यू अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई फोर बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फोर क्यू बराबर कैपिटल क्यू आ जाएगा, या फिर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई फोर आ जाएगा हमारा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, कैपिटल क्यू बाई फोर। अच्छा, साइन कन्वेंशन देखो, हम पहले से आइडिया लगा चुके थे साइन कन्वेंशन का कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो वो चीज़ हम अपन पहले से ही आइडिया लगा चुके हैं, तो वो नेगेटिव ही होएगा। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस में क्यू बाई फोर होगी, ना कि प्लस में क्यू बाई फोर होगी। इसे हम एनालिसिस से हमने पता लगा लिया कि ये जो स्मॉल क्यू है
बीच बीच वाला ये नेगेटिव होगा, तभी ये तीनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो उस केस में ये दोनों पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जब पॉजिटिव होता तो इस चार्ज पार्टिकल पे इधर की ओर फोर्स लगता, ये वाला भी इधर की ओर लगाता और ये वाला भी इधर की ओर लगाता, तो ये वाला पार्टिकल इधर ही जाता रहता, इसको इधर खींचने वाला कोई रहता ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये बात अपन को ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, कमेंट्स चेक करते हैं आपके। अच्छा ठीक है, माइनस क्यू बाई फोर ये आंसर आ जाएगा इसका। और क्वेश्चंस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप कॉपी में नोट कर लेना। और कोई डाउट आया इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस, हाँ वो पढ़ेंगे अभी, एक बार न्यूमेरिकल्स करें, कूलम्स लॉ को अच्छे से समझते हैं पहले, उसके बाद में उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी हमने क्या है, कूलम्स लॉ को पढ़ा है और उसके उसका फॉर्मूला देखा है, उसका वेक्टर फॉर्म देखा है। आगे अब धीरे धीरे हम उसका न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो फॉर्मूले से हमारी फैमिलियरिटी बढ़ रही है कि ये फॉर्मूला है क्या, इसके न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशंस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें बहुत सारे आते हैं, तो अभी अपन वो कर रहे हैं। और क्वेश्चंस लेते हैं कूलम्स लॉ के, ताकि आपका और इसके बारे में समझ बढ़े। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेता हूं मैं, कोई क्वेश्चन है कि एक कोई चार्ज है 4e और इधर कोई चार्ज है e, e फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो है 4e और ये है e, e फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनको किसी a डिस्टेंस पे रखा गया है, किसी a डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज q कहां रखा जाए कि तीनों चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहें, कोई थर्ड चार्ज जो q है वो कहां रखा जाए, ये सवाल है। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करती है, इसके बीच में स्मॉल क्यू चार्ज कहाँ पे रखा जाए, मान लो ये एक एक्स डिस्टेंस ले ले और ये क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स, तो ये क्यू चार्ज जो है वो कितना होना चाहिए और ये एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि तीनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में रहे, ये सवाल है। और एक्स के क्या मान हो सकते हैं जिससे हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिले, एक ये भी सवाल है, इन विच केस देयर इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड अनस्टेबल, इन विच केस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो ये सवाल है। x की देखो दो वैल्यूज आएगी यहां पे, एक हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देगा, तो उस चीज को पे निकालना है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको एक मिनट देता हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप लोग ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में एक चीज और रख लेना कि ये जो चार्जेज हैं ये फिक्स्ड हैं, ये जो चार्ज है वो फिक्स्ड हैं इस केस में।
हमें केवल यही पता लगाना है कि स्मॉल क्यू की ओ कहाँ पे रखा जाए, इसकी वैल्यू आप नहीं पता लगाओ तो भी चलेगा, इस स्मॉल क्यू को कहाँ पे रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे बस, और क्यू की किस वैल्यू के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, टू बाई थ्री काफ़ी लोगों के आंसर आए हैं। चलो चेक करते हैं, ए बाई थ्री, टू ए बाई थ्री, ऐसे आंसर आए हैं बिल्कुल। तो सिंपल सा सॉल्यूशन, इस पे लगने वाले जो फोर्सेज हैं, पहले मान लो केस लिया क्यू अगर पॉजिटिव हो, लेट क्यू पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव माना, तो ये फोर ई जो है इसको इधर धक्का देगा और ई वाला इसको इधर धक्का देगा। तो 4E वाला जो चार्ज है वो जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा K Q इंटू 4E अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, ये E जो इस पर फोर्स लगाएगा उसके बराबर होगा, तो वो बराबर कर देते हैं K Q इंटू E अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, Q Q K Q कैंसिल, E से E कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसे इधर लेके आते हैं या फिर इसको अपन 4 टाइम्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से 4 को मैंने स्क्वायर रख दिया 2 के स्क्वायर में, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर हटा सकते हैं, दोनों का स्क्वायर अगर हटाते हैं तो देखो स्क्वायर हटाने के लिए एक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है जब स्क्वायर हटाते हैं। मैथ्स वाले लोग इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि स्क्वायर देखो x अगर नेगेटिव हो उसका भी स्क्वायर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और x पॉजिटिव हो उसका भी स्क्वायर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब दोनों केसेस लेके देखते हैं कि उन दोनों केसेस में एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो देखो पहला केस ये प्लस वाला, तो ए माइनस एक्स बराबर क्या हो गया एक्स बाई 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3x बाई 2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2a बाई 3। एक तो पहला केस आ गया 2a बाई 3 का, और एक्स को अगर नेगेटिव लेता हूँ तो ए माइनस एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2, तो ए बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 2 यानी कि x बाई 2 यानी कि x बराबर आ जाएगा 2a। तो एक सॉल्यूशन तो आया x बराबर 2a बाई 3 और एक सॉल्यूशन आया x बराबर 2a। तो अब इसमें से कौन सा सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन वैलिड नहीं है उसके बारे में अगर बात करें, तो जो 2a बाई 3 वाला सॉल्यूशन है, 2a बाई 3 वाला सॉल्यूशन, यहाँ से 2a बाई 3 डिस्टेंस पे अगर मैं q को रखूँ तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये जो है इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, जबकि ये वाला जो वैल्यू है 2a, ये 2a क्या है, यहाँ से काफ़ी दूर हो गया, इधर हो गया, जो कि इम्पॉसिबल वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस सॉल्यूशन को अपन डिस्कार्ड कर देंगे, ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो इस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ये माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का भी कितना दुगना जो लेंथ है उससे भी आगे है, तो इस चीज के लिए अपन इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे 2a बाई 3 एक जेन्युइन सॉल्यूशन है इसलिए इसको मान लिया जाएगा। काफी बच्चों ने कमेंट में सही आंसर दिया है तो ये सही आंसर है। अब मैं इसकी बात करता हूँ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन क्या होगी, कौन से कंडीशन में ये q चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कौन से कंडीशन में ये q चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये बात अपन को पता लगानी है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं q को लेता हूँ पॉजिटिव, अगर q पॉजिटिव लिया जाए तो उस केस में ये 4e इसे रिपेल करेगा इस तरफ
और ई जो है इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। क्यू अगर पॉजिटिव हो और क्यू अगर नेगेटिव हो तो उन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। क्यू अगर पॉजिटिव है तो 4E इसे इधर रिपेल करेगा और ई इसको इधर रिपेल करेगा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को परसीव करने के लिए हम उस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा मूव करते हैं। अगर मूव करने के बाद अगर वो अपनी पोजीशन परमानेंटली छोड़ दे तब तो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अपनी पोजीशन को अगर वापस रीगेन कर लेता है तो इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अगर पोजीशन परमानेंटली छोड़ दे तब तो होता है अनस्टेबल, और पोजीशन वापस रीगेन कर ले तब होता है स्टेबल। तो मैं दोनों केसेस लेता हूं, एक बार क्यू पॉजिटिव लिया और एक बार क्यू नेगेटिव लिया। क्यू का नेचर पता लगाना है कि स्टेबल और अनस्टेबल कब देगा। अगर देखो क्यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है और यहां पे ये 4E हो गया और ये ई हो गया, तो क्यू पॉजिटिव के केस में 4E इसको इधर धक्का देगा और ई इसको इधर धक्का देगा। अब मैं इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा इधर लेके आता हूं, इधर थोड़ा सा मैंने मूव किया, इधर जब मूव करूंगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको और ज्यादा तेजी से इधर फोर्स देगा, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसको इधर थोड़ा कम जो एक्स इंटेंसिटी उससे रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि 4E से इस क्यू की डिस्टेंस बढ़ चुकी होगी और ई से इस क्यू की डिस्टेंस घट चुकी होगी, तो डिस्टेंस जब घटती है तो कूलम फोर्स बढ़ता है, तो यहां पे 4E जो है इसको और ज्यादा तेजी से और कम इंटेंसिटी से रिपेल करेगा और ई जो इसको तेजी से रिपेल करेगा। उस स्थिति में जो क्यू चार्ज है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस केस में ये हो गया। अगर मैं क्यू को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करता हूं, तो ये 4E वापस इसको इधर रिपेल करेगा और ई इसको थोड़ा कम इंटेंसिटी से रिपेल करेगा, तो इस केस में भी क्या होगा, क्यू वापस यहां पे अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहां पे हमें एक आइडिया लग रहा है कि अगर क्यू पॉजिटिव है तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। दूसरा केस क्यू नेगेटिव अगर लेता हूं मैं, क्यू नेगेटिव लेने के केस में ये मान लो 4E है और ये आपका क्यू यहां पे चार्ज रहेगा और ये आपका ई है, तो उस केस में अगर क्यू नेगेटिव है तो ये इसे इधर खींच रहा है और 4E इसे इधर खींच रहा है, ठीक है। 4E इसको इधर खींच रहा है और ई इसे इधर खींच रहा है। अब देखो मैं क्यू को थोड़ा सा अगर इधर डिस्प्लेस करता हूं तो ये जो फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो और इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो इधर खींचने वाला फोर्स क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा, तो ये ई क्या करेगा, इस क्यू को अपनी ओर ही ले जाएगा। इस बात को दोबारा समझना, अभी ई जो है ये फोर्स ई की वजह से है, ये वाला फोर्स 4E की वजह से है। अगर मैं क्यू को इधर शिफ्ट करता हूं तो FE की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और इस फोर्स की वैल्यू घटेगी, है ना। तो इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी बढ़ेगी, तो ये डोमिनेट करेगा और ये क्यू को क्या करेगा, अपनी ओर ले जाएगा, है ना। और ऐसा इस केस में भी होगा, अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं तो F4E की वैल्यू बढ़ेगी और FE की वैल्यू घटेगी, तो इस केस में भी क्या होगा, Q को ये 4E अपनी ओर ले जाएगा। तो ये वाला जो केस है, इस केस में Q अपनी वापस पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे देखो ये जो एक्सप्रेशन किया, इससे हमें केवल पोजीशन पता लग सकती है और इस एनालिसिस से हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पता चलता है। तो आई सपोज कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जान सकते हैं। देखो क्यू पॉजिटिव हो या क्यू नेगेटिव हो, इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, यहां पे देखो ये और ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड हैं। पहले वाला जो केस था उसमें क्या था, चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं थे, दे वर फ्री टू मूव, तो उस केस में हमें जबरदस्ती बीच वाले चार्ज को क्या लेना पड़ा, नेगेटिव लेना ही पड़ा, क्योंकि जरूरी हो गया था, कंपल्सरी हो गया था। अगर नेगेटिव नहीं लेते तो तीनों का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आता, तो उस इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, जो बीच वाला चार्ज था उसको नेगेटिव लेना पड़ा था। अभी इस केस में ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स है, तो बीच वाले चार्ज को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव के केस में स्टेबल और नेगेटिव के केस में अनस्टेबल होगा। यहां पे इस एनालिसिस से हमने ये बात समझी, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए।
अमर सर, इन वीडियो से नीट क्लियर हो सकता है क्या? क्यों नहीं भाई, नीट क्लियर करने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। नीट भी क्लियर हो जाएगा, आईआईटी भी क्लियर हो जाएगा। मैं लेवल थोड़ा आईआईटी के आसपास का रख रहा हूँ, तो नीट तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसमें एक एक सवाल को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और डेप्थ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी सवाल को ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे फॉर्मूला बेस्ड सवाल करा दे, पूरे एनालिटिकल सवाल जो है वही ले रहा हूँ। तो नीट आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल करते हैं और अच्छा। सवाल है कि कोई कैपिटल क्यू चार्ज, ए क्यू चार्ज, क्वेश्चन लिख देता हूं, ए चार्ज क्यू इज टू बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल, आप भी साथ साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज, ऑन द ऑब्जेक्ट्स सो दैट फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। ये सवाल है कि एक हमने कोई कैपिटल क्यू चार्ज जो है उसको दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में डिवाइड किया और उनको कोई डिस्टेंस पे रख दिया मान लो, ठीक है, तो इस चार्ज को, इस टोटल चार्ज को, क्यू को कैसे डिवाइड करें, हमें डिवाइड करने का क्या तरीका होना चाहिए कि एक को क्यू बाई थ्री दे दिया, एक को टू क्यू बाई थ्री दे दिया, एक को क्यू बाई टू दे दिया, दूसरे को क्यू बाई टू दे दिया, तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम जो फोर्स है वो आए। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन ए है जो क्यू है वो ऐसा होना चाहिए, टू क्यू बाई थ्री कोमा क्यू बाई थ्री, देखो इनका सम जो है क्या आ रहा है, वापस क्यू आ रहा है। बी ऑप्शन क्यू बाई टू, सी ऑप्शन, हो गया क्यू बाई फोर और कोमा थ्री क्यू बाई फोर, और डी ऑप्शन नन यानी कि नॉट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा ये आपको पता लगाना है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज को मैं दो छोटे बॉडीज को कितना कितना दूं ताकि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम आए, ये हमारा सवाल है। तो इसको करना है आपको, मैं तीस सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से बताएं, मैं कमेंट्स देख रहा हूं। बी आंसर बिल्कुल सही, धनराज, बी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे धनराज, बहुत जल्दी सॉल्व किया। और भी बाकी लोगों के आंसर आ गए होंगे, आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे देखो, इसको समझाता हूं मैं। मान लो दो बॉडीज ले लिया, उन दो बॉडीज को मैंने आर डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, और उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता कि कैसे किया, ठीक है। एक को मैंने दे दिया कोई क्यू चार्ज, और तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा, क्यू माइनस क्यू चार्ज दूंगा। एक बॉडी को कोई स्मॉल क्यू चार्ज दे देता हूं, तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू देना पड़ेगा। मान लीजिए दो बॉडीज को मैंने आर डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे मैक्सिमाइज करना है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, पहले तो वो चेक करें। F बराबर के क्यू, क्यू क्या हो गया, क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। तो F बराबर क्या हो गया, K अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा फोर्स का। अब फोर्स का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, ये फोर्स इस स्मॉल Q पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें इस स्मॉल Q की कोई ऐसी वैल्यू पता लगानी है जिससे फोर्स मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डी एफ अपॉन डी क्यू बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो डी एफ अपॉन डी क्यू जीरो करें तो ये आ जाएगा, डी एफ अपॉन डी क्यू बराबर आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा क्यू माइनस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू क्यू, तो इसको जीरो किया यानी कि क्यू माइनस टू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर क्यू बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाई टू। तो अगर हमें कोई दो बॉडीज़ के बीच में कैपिटल क्यू चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को आधा आधा देना पड़ेगा, क्यू बाई टू इसको दिया और क्यू बाई टू उसको दिया। तो ये सवाल हो गया एक, है ना। तो कौन सा आंसर, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में एक और क्वेश्चन नया कराते हैं। बी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से अपन कुलाम्स के जो कुलाम का जो लॉ है उसका यूज करते हुए अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं। तो आई सपोज आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हुआ होगा ये सब कुछ जितना भी अपन पढ़ रहे हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपकी सॉलिड स्टेट की जो केमिस्ट्री क्लास है उसको कंटिन्यू करूंगा। तो आज अपन केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया हमने, कल थोड़ा और थ्योरी का कंटेंट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, देखो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा कमेंट भी करते रहो तो हम लोगों का मन लगा रहता है और इंटरेक्शन भी रहता है हम सबका। तो इंटरेक्शन रहने से भी क्या है कि चीज़ें और अच्छी क्लियर होती रहती है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखा है आप, ठीक है। और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको कॉल कर करके फ़ोन कॉल करना है और बताना है कि जो साइटोन एजुकेशन है अपने एल्केमी इंस्टीट्यूट का एक यूट्यूब ऑनलाइन जो लेक्चर्स का प्लेटफॉर्म है उस पर सभी बच्चों को फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं हम लोग आईआईटी नीट के लिए। आपको हर एक को, एक एक को जिम्मेदारी लेनी है कि अपने कम से कम 10-10 दोस्तों को ये बात बताएं कि आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, और वो किसी और जगह पे जहाँ पे बहुत सारे पैसे ले रहे हैं लेक्चर्स देने के, लेकिन वही सेम चीज़ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको यूट्यूब पे हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताएं ये बात, ताकि वो घर पे बैठे बिना पैसे दिए अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो ये बात आप उन लोगों को बताएं। हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये जिम्मेदारी ले कि 10-10 अपने फ्रेंड सर्कल के जो दोस्त हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे या कर नहीं रहे थे, गांव की स्कूल में थे या फिर कोचिंग आ नहीं पा रहे थे, उन सबको फ़ोन करके करके बताएं और इस यूट्यूब चैनल पर लेके आएँ। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ये करें ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर जुड़ें और एक अच्छा कॉम्पिटिशन का माहौल क्रिएट हो। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ वापस, तब तक के लिए बने रहिए और कुछ एक और सवाल कीजिए, एनसीईआरटी पकड़िए, एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप वो भी करिए, ठीक है। तो अपन कल इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नेक्स्ट लेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको सॉलिड स्टेट के लिए मिलता हूँ, ओके।